अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। भाई आज जो है आपका भाई एक नई चीज एक्सप्लोर करने वाला है, पर वो नई चीज आपके भाई के घर में ही थी। मतलब मुझे पता ही नहीं, पता था ऐसी बात नहीं, मगर आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग घरों में भी वो चीज मौजूद है। मगर उसके अंदर जाने से पहले, उसको एक्सप्लोर करने से पहले हमें कुछ करना पड़ेगा अपने ऊपर ऐसे करके। ये ये है सारा बारिश का पानी जो मैंने जमा किया था। अबे बहुत ठंडा है इसके टांग। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बहुत नहाते हैं, उसके बाद उस जगह को एक्सप्लोर करने चलते हैं। चलें फिर, चलो। सफाई वफाई करना जरूरी है, क्योंकि ऐसी जगह पे जा रहे हैं वहां सफाई के बगैर हम नहीं जा सकते, समझ रहे हो ना। चलो भाई, आपका भाई उठ चुका है साफ, अब जाएंगे उस जगह पे, उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। आई एम सो एक्साइटेड। आपका भाई बड़ा एक्साइटेड है उस जगह को जाने के लिए। आज से 2 साल पहले गया था मैं, और बड़ा ही शुगर लगाया था मैंने वहाँ पे जाके। आज इतने दिनों बाद, मतलब पूरे पूरे 2 साल बाद मैं वहाँ पे जा। चलें फिर। आओ आओ, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अब आएगा असल मजा। ये मजा अब देखेगा आप, ऐसी बाप जगह है, मतलब आपने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी जगहें आपके घरों के अंदर मौजूद है। चलो चलो चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, व्यू चेक करें आप लोग, क्या बात है क्या बात है। ये है इधर की 3री मंजिल, और इसके अंदर है वो जगह, इसके अंदर है वो जगह। खोलो इसको। अब आएगा ना असल मजा। वो कीड़ों तो इतना लंबा, मैंने खुद देखा। सारा पानी मट्टी मट्टी हो गया। आई एम अंडर द वाटर, आई एम अंडर द वाटर। आये सर पे लग गई। जरा गौर से देखिए जरा। ओ भाई मुझे बड़ा डर लग रहा है, फुल अंधेरा अंधेरा भाई साहब, और ठहरा भी बहुत है ये। आप लोग ऐसा करके कुछ भी करने की ना सोचे ना, मुझे डर लग रहा है। आयो, बड़ी खौफनाक जगह है ये। ओए मेरी तो हालत खराब हो रही है, मुझे डर लग रहा है। भाई आपका भाई टंकी के अंदर इसलिए आया है क्योंकि इधर एक काम था, एक वॉल जो था वो लीक हो गया था, उसको बनाना था। तो मैंने सोचा आपको मैं अपने घर का लग्जरी स्विमिंग पूल दिखाऊं। ये आपके भाई का लग्जरी स्विमिंग पूल है, आप क्यों नहीं समझ रहे। ये देखो आप। सुभान अल्लाह, इको चेक करो आप, यहाँ पे बैठ के तिलावत करो। साउंड चेक कराओ अपने, कैसा टाइम डाउन है। थोड़ी सी खौफनाक जगह है, मगर मैं आपको ये एक बात कहता हूँ, आप ऐसा घर में करने की कुछ भी मत सोचेगा। पता चले कोई छोटा बच्चा टंकी के अंदर डूबा, और ले भैया फात भाई पे इंजाम आ गया कि भाई फात भाई ने बोला था टंकी के अंदर नहाओ जाके। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा। यहाँ पे एक वॉल खराब हो गया था, तो वो आपके भाई को बनाना था, और थोड़ी बहुत मिट्टी थी इसके अंदर। कितनी मिट्टी है, फुल मिट्टी, और हो सकता है इसके अंदर कीड़े भी हों। एक आधा कीड़ा मैंने भी देखा था। कहने का मकसद ये है कि ख्याल रखें भाई अपनी लाइफ का, मगर ये है कि इस टंकी के अंदर जाके ना जो सुकून मिला ना, मतलब फुल स्विमिंग पूल वाली फीलिंग आ रही है आपके भाई को। आ हा 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 हा, चले दोबारा। मतलब दिल ही नहीं चाह रहा बाहर निकलने का, क्या सीन है ये। मैं सोच रहा हूँ वो जो फुल टंकी के अंदर वाला कोना है ना, वो जो कोना है उस कोने तक आपका भाई चलते हैं, उस वाले कोने तक चलते हैं। ये जरा पकड़ना, उस वाले कोने तक जाकर आता हूँ, मुझे डर लग रहा है। ओ भाई, ओ भाई आगे आते। ओ भाई आपका भाई फुल स्विमिंग करता हुआ आया, स्विमिंग। अगर ये मेरी अम्मा या अब्बा ने देख ली वीडियो फिर क्या होगा, वाट लगा दूंगा, वाट लग जाएगी मेरी तो। बंद कर दे, मैं जाएगी पे।
टाटा अल्लाह हाफिज, मिलेंगे किसी और अपने पन के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। खुद सोचो, अब खुद सोचो, क्या कभी फ्री का स्विमिंग पूल इतना कोई अय्याशी वाला और इतनी कोई खूबसूरत वाली व्यू में आपको मिलेगा? अबे कोई पैसे दे के भी इतना खूबसूरत व्यू नहीं देगा, समझ रहे हो? नहाओ मजा जैसा जाए। आपका भाई थोड़े बहुत आपको स्विमिंग दिखाता है, ये देखो। सब अंधेरा अंधेरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा भाई। भाई आप लोग जगह चेक करें कितनी खौफनाक है, और यहां से भी पानी टपक रहा है। ओ भाई फुल खौफनाक मंजर, ओ ये देखो ऊपर भी पानी है और पत्थर की शेप देखो यार, कैसी हो रही है खतरनाक। मतलब एक खौफ आ रहा है यहाँ पे, रात में तो मैं कभी जिंदगी में नहीं आ सकता, यहाँ दिन के टाइम पे आ सकता हूँ। फुल हाल खराब हो रही है मगर मजा भी बहुत आ रहा है। लेट जाओ उस पानी के अंदर, आए आए मजा आ गया, दिल का सुकून मिल गया दिल में। मुझे लग रहा है नीचे जो नलके है ना वहां से भी आवाज आ रही है। किचन का नलका अम्मा ने खोला, ये आवाज कहां से आ रही है? भाई ये वाला पाइप जो है ये हमें लगाना है अंदर, और सांस रोक के अंदर जाना पड़ेगा, और आप लोग देखेगा भाई की सांस कितनी लंबी है। मतलब सांस वाली सांस नहीं, ये वाली सांस, ये वाली सांस, वो वाली सांस तो बात की बात है। पहले अभी ये इस पाइप को लगा लें, फिर बाकी बातें बाद में। चलो आ जाओ, आ जाओ अपने साथ, आ जाओ अंदर अंदर, कम ऑन बेबी। अबे भाई कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं अंदर, दिक 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 दिक। ओ भाई, और ना पंखों के चलने की आवाजें आ रही हैं और चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, सारी आवाजें यहाँ पे आ रही हैं, सारी की सारी आवाजें यहाँ पे आ रही हैं। मतलब कोई नीचे बात कर रहा है ऐसे चिन्न चिन्न। क्या सीन है, नलकों के शायद जरिए से ऐसे करके ऊपर आ रही है सारी आवाजें। अगर मैं यहाँ से किसी पाइप से घुस गया ना और पाइप के अंदर चला गया, किसी नलके से बाहर आऊं, ठीक हो गया? आप भी अगर पाइप के अंदर घुसेंगे नलके से बाहर आएंगे, ठीक हो गया? समझ रहे हो ना, कोई मसले की बात नहीं है, यहाँ डूब भी जाओ खैर वाली बात है। अगर यहाँ डूब गए तो नीचे वाले नलके से पहली दूसरी तीसरी मंजिल से कोई भी नलका खुलेगा, आप पुट करके ऐसे निकलोगे, पुट, समझ रहे हो ना? फिर ये चेक करें आप लोग, इसमें ये जो टंकी है इसके अंदर कितनी मिट्टी, ये देख रहे हैं ये मिट्टी है, और ये ऐसी मिट्टी, अगर आप ये लोग आप ऐसे करके लगाएंगे इसको अपनी स्किन पे तो आपकी स्किन ग्लो हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये मिट्टी है, और ना इतनी ज़्यादा मिट्टी है ना अंदर, मुझे इतना डर भी लग रहा है अंदर, मतलब जाके ना कोई कीड़े वीड़े ना निकल जाए, कोई ऐसी चीज़ें निकल जाए। जितनी मिट्टी मैंने निकाल सकता था उतनी निकाल दी, और मैंने वॉल भी ठीक कर दिया फाइनली। वॉल जो था वो टूट गया था, जिसके अंदर पाइप घुसाना था वो पाइप घुसा दिया इतने सारे पानी के साथ, और अगर फुल तक होती ना टंकी पर तो मैं ठीक कर ही नहीं पाता, फिर मुझे सांस रोक के जानी पड़ती, ऐसा सांस रोक के जाता फिर जाके अंदर जाके ठीक करता, मगर फाइनली ठीक हो गया है भाई। देखें ये वाला पाइप, एक ये वाला पाइप, ये वाला जो पाइप है ना इसकी एक चीज़ टूट गई थी अंदर से ना, ये जो ये हिला रहा हूँ ना मैं ये वाले पाइप का, वो देखें कितना नीचे जाके, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से अगर देखा जाए तो पूरा ना इस जगह पे आता है, इसके बिल्कुल ये जो है पानी का निकलने वाला पाइप है जब ओवरफ्लो हो जाती है ना, ये जो इसके नीचे ना वो चीज़ टूट गई थी, वो मैंने फाइनली लगा दी है। यहाँ यहाँ से सारा ताल्लुक था, कौन सा था, हाँ ये वाला, ये लगा दिया आपके भाई ने। भाई आया तो था मैं इधर काम के सिलसिले में, मगर निकलने का दिल ही नहीं चाह रहा, बस दिल चाह रहा है कि तैरता जाऊं, नहाता जाऊं, मजे लेता जाऊं। आ हा हा हा, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। ये देखो मेरा पजामा भूल गया, मेरा वो जो पूरा पजामा भूल गया, और मैं ऊपर, मेरे टांग नीचे जा ही नहीं रही है, बैठ ही नहीं रही है।
हमेशा टांग ऊपर आ जा रही है बार बार, मैं बोलूँ पता नहीं क्या हो गया, पजामा खुला हुआ। ये देखो फिर ऊपर आ गए। अबे क्या है भाई साहब, ये देखो अभी अंदर डालूंगा फिर भूल जाएगा। ये देखो ये ऊपर आ गया दोबारा। अबे आजकल तो आपको पता ही है, हर बंदा कहता है यार मुझे डिप्रेशन है। किसी से पूछो हाँ भाई क्या हाल है तुम्हारे, यार जरा बस प्रॉब्लम में हूँ, जरा टेंशन में हूँ। खैर आपके घरों के अंदर भी ऐसी कुछ चीजें होंगी जिसको आप इंजॉय करके अपनी खुशी का जरिया बना सकते हैं। जैसे आपके भाई ने इतनी कोई बोसीदा सी, देखो क्रैक लगे हुए हर जगह, किसी चीज को खुशी का जरिया बना लिया। कहने का मकसद ये है कि खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।